अगर आप स्लेट पेंसिल खाते हो या अभी भी स्लेट पेंसिल खा रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा डर जाओगे और शायद आप लोग स्लेट पेंसिल खाना ही छोड़ दो। आज मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो सुनकर आप लोग डर जाओगे और आपको स्लेट पेंसिल खाने का कभी मन भी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसके इतने बड़े नुकसान है, इससे इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स होती है कि आप लोग वो सुनकर सच में डरने वाले। और जो भी मैं आपको इस वीडियो में होने वाली प्रॉब्लम बताने वाला हूँ वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप स्लेट पेंसिल खाते हो या इसको खाना छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूंगा। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अभी सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्लेट पेंसिल आखिर खाने में कैसी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये खाने में हार्ड होती है और ये पत्थर से बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनती है तो मैं आपको बता दूं, एक स्लेट का पत्थर होता है, उसको काटा जाता है और उसको स्लेट पेंसिल की शेप दी जाती है। वैसे करके ये स्लेट पेंसिल बनती है जो कि पत्थर होता है, और इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जिसको ये टेस्टी लगती है उसमें पीका की बीमारी होती है, या उसको आयरन की कमी या कैल्शियम की कमी होती है, या कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, इसलिए उसको ये टेस्टी लगती है। लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जो लोग भी बोलते हैं कि ये टेस्टी होती है, उनको ये इसीलिए टेस्टी लगती है क्योंकि उनके शरीर में किसी चीज़ की कमी है, इसीलिए उनको ये टेस्टी लगती है। और इससे हमारे शरीर में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स होती है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है वो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला असर इसका हमारे दिमाग पर होता है, क्योंकि जितनी बार हम स्लेट पेंसिल देखते हैं उतनी बार हमें इसको खाने का मन होता है और हमारे अंदर क्रेविंग उठती है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इससे बाद जब हम इसको खाते हैं और सबसे पहले जब हम उसको अपने दांतों से चबाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पत्थर से काट कर बनाई जाती है, मतलब ये पत्थर ही होती है। तो जब आप इसको चबाते हो, इसको दांत से तोड़ते हो, तो आपके दांत घिस जाते हैं या दांत टूट जाते हैं। मतलब आपके दांत जितनी बार आप इसको खाओगे उतनी बार ये घिसते रहेंगे, जिससे आपके दांत घिसते घिसते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और आपका खाना खाने में भी प्रॉब्लम आपको होने लगी। और उसके बाद जब आप इसको चबाओगे तो ये आपके दांतों के बीच में फंस जाएगा। आपको पता ही है कि आपके मसूड़ों में ये फंस जाएगा, जहाँ पर ये वैसे का वैसे रहता है। और आपको पता है कि इससे छोटे छोटे आपके मुंह में कीटाणु होने लग जाएंगे, जिससे आपके वो दांत खाएंगे और आपके मुंह में कैविटीज़ हो जाएगी, जिससे आपके दांत भी ख़राब हो जाएंगे और आपको दांतों में दर्द होने लग जाएगी। और इसके बाद जब आप इसको खाते हो तो ये आपकी जीभ के ऊपर एक परत बनाती है, सफ़ेद परत बनाती है, जिससे होता ये है कि जब भी आप कुछ भी खाते हो तो आपको उसका स्वाद नहीं आता है, क्योंकि आपकी जीभ स्लेट पेंसिल से कवर हुई होती है। और इससे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे आप खाना भी नहीं खा पाते हो और आपका मुंह अंदर से दुखने लग जाता है। तो ये इश्यूज तब होते हैं जब आप इसको सिर्फ चबाते हो। और जो लोग इसको स्वेलो करते हैं उनके साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इससे हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमें सांस की प्रॉब्लम होती है। आपको पता ही है कि बहुत से लोग यही बोलते हैं कि उनको इसको खाने के बाद सांस की प्रॉब्लम होने लगी है। उसका रीज़न ये भी है कि उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है। और जब ये नीचे जाता है और हमारे आमाशय में ये जाता है, तो सबसे पहले ये हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पत्थर है और पत्थर हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जब ये हमारे आमाशय में जाता है तो हमारा आमाशय बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करने लग जाता है, क्योंकि वो इसको डाइजेस्ट करना चाहता है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे हमें एसिडिटी होती है। अगर आपको पता होगा कि ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से हमें एसिडिटी होती है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसको खाने से भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और ये आपको अंदर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी कर देता है, जिसका रीज़न हमारा डाइजेशन खराब होना होता है, और जो कि स्लेट पेंसिल खाने की वजह से ही होता है। और डाइजेशन खराब होने की वजह से जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगता है, और आप इससे और ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हो। और आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इससे खून की कमी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जब आपके शरीर में कुछ लगेगा नहीं तो आपको अंदर खून कैसे बनेगा, इसीलिए आपको खून की कमी होती है। और जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, आपको चक्कर आना, आपके हाथ पाँव में दर्द होना, और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, कंपन महसूस होना, ये सब इसके लक्षण है, जिसका मेन रीज़न स्लेट पेंसिल खाना ही है। और ये आपके पेट में ऐसे का ऐसा ही जमता रहता है, जितना आप खाते जाते हो उतना ही ये अंदर जमता रहता है,
जिससे आपको होता क्या है कि आपके अंदर वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। और आपको पता ही है कि ये आपके पेट में कब्ज भी कर देता है, जिससे आपको टॉयलेट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये अंदर ब्लॉकेज कर देता है। और अगर ये ब्लॉकेज ऐसी की ऐसी ही रहती है तो इससे हमारे शरीर में चोक हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि चोक कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी ऑर्गन में कुछ फंस जाता है, जैसे कि स्लेट पेंसिल है, ये आपके अगर किसी ऑर्गन में फंस जाती है तो वो ऑर्गन काम नहीं कर पाता है, जिससे वो ऑर्गन काम करना बंद कर लेता है और जिससे आपकी मौत भी हो जाती है। तो इसको ही चोक बोलते हैं और बहुत सारे लोगों की चोक होने से भी मौत हुई है। कुछ लोगों की किडनी में ये सब कुछ फंस चुका था, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई और उनकी किडनी फेल होने से फिर मौत हो गई। और इससे हमारी किडनी में स्टोन हो जाते हैं और आपको पता ही है कि जब स्टोन बड़े होते हैं तो उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। और आपको अगर किडनी स्टोन की दर्द नहीं पता कि कैसी होती है तो मैं आपको बता दूं, इसकी दर्द ऐसी होती है जो कि सहन ही नहीं होती है। आपका मरने का मन करता है, आप ना खाना खा पाते हो, ना लेट पाते हो, ना खड़े रह पाते हो, मतलब इतनी बुरी दर्द होती है और इतने बुरे इससे हालात हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आप लोग स्लेट पेंसिल खाते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले हफ्ते में कुछ नहीं महसूस हो रहा और ना ही एक महीने में या एक साल में अपने शरीर में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी प्रॉब्लम बाद में देरी में भी दिखती है या कभी जल्दी भी दिखती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम होती ज़रूर है। मैं आपको ये 100% बता दूं कि ये प्रॉब्लम करती ही करती है आपके शरीर में, और इससे आपके पेट में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके बढ़ता है और बाद में इतना खतरनाक हो जाता है जिसका इलाज भी नहीं हो पाता है और जिससे मौत तक हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बुरा इन्फेक्शन करता है जिसका इलाज भी नहीं होता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और आपको पता ही है कि स्लेट पेंसिल एक पत्थर होता है और ये पत्थर हमारे खाने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी नहीं हो रही है तो मतलब बाद में तो होगी ही होगी, और बाद में जब इससे प्रॉब्लम होगी तो इसका इलाज करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जितना भी पैसा आपने ये सब खाकर कमाया है उससे डबल आपके इलाज में लग जाएगा और उससे भी ज़्यादा आपके इलाज में लग जाएगा। तो ये मत सोचो कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये पता लग चुका होगा कि स्लेट पेंसिल खाने से हमारे साथ क्या हो सकते हैं और क्या क्या इससे होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहता हूँ, जैसी वीडियोस आप बोलते हो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करके रख दो, और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप भी स्लेट पेंसिल खाते हो और आपको इससे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो नीचे जरूर से कमेंट करके मुझे बता दो, और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।